और 18 तारीख को कालका से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा रोहतक में आज समाप्त हो गई। जन आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति पर रोहतक में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई। राज्य में दोबारा कमल की फसल खिलाने और 75 प्लस के सपने को पूरा करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले खट्टर की ये यात्रा रविवार को समाप्त हो गई। 18 अगस्त को कालका से शुरू हुई खट्टर की यात्रा रविवार को रोहतक में समाप्त हो चुकी है। यात्रा की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मोदी की विजय संकल्प रैली हुई। खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर गई, जहाँ खट्टर ने लोगों से सीधा संपर्क भी किया। खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा पर मोदी ने कहा कि मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भले ही रोहतक में समाप्त हो गई हो, लेकिन इससे साफ हो गया है कि इस बार भी हरियाणा का आशीर्वाद किसके साथ रहने वाला है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम खट्टर ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। हर जगह लोगों को संबोधित भी किया। खट्टर की यात्रा जिस भी हलके से गुजरी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ जाती थी, लेकिन खट्टर ने सिर्फ विकास को ही मुद्दा बनाते हुए हर भाषण में विकास की ही बात की है, क्योंकि खट्टर जानते हैं कि विकास की खेती से ही वोटों की फसल काटी जा सकती है। हम लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव से ठीक पहले इसको सभी 90 के 90 विधानसभा में जाकर आप सब लोगों का, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, ये यात्रा मेरे लिए एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, अद्भुत अभूतपूर्व एक अनुभव था। इतनी बड़ी संख्या में गांव-गांव में, शहर के हर कोने में लोगों ने पलकें फावड़े बिछाकर यात्रा का स्वागत किया और हमने उनसे आशीर्वाद भी लिया। 90 विधानसभाओं की यात्रा आज पूर्ण होकर, इसमें लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा थी, 18 अगस्त को शुरू होकर आज 8 सितंबर को समाप्त हो रही है। 1200 कार्यक्रम छोटे बड़े इसमें हुए हैं और मैं एक अनुमान से कह सकता हूं कि लगभग 20 लाख लोगों ने इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया है। खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने और समापन नरेंद्र मोदी ने किया। अब माना जा रहा है कि अगले महीने राज्य में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में खट्टर की ये यात्रा बीजेपी के लिए 75 प्लस को पूरा करने में मदद कर सकती है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।